हेलो एवरीवान वेलकम टू बालकृष्ण एकेडमी जो लास्ट वीडियो थी ठीक है उसमें हमने स्टडी किया था एंजाइम काइनेटिक्स का पार्ट वन सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स इसमें हमने क्या स्टडी करना है इसमें लास्ट वीडियो में हमने माइकलिस मेंटन को स्टडी किया था ठीक है इसमें हम माइकलिस मेंटन के कुछ ड्रॉबैक्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद जो प्लॉट्स आए ठीक है जैसे लाइन वेवरबर्ग प्लॉट हेन्स प्लॉट इट इज हॉफ्टी प्लॉट ठीक है Uh, हम इनको स्टडी करेंगे और इनको इनकी इक्वेशंस को इजीली कैसे मेमोराइज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी सो so, सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स देखेंगे माइकलस मैंटन इक्वेशन के ठीक है क्यों बाकी प्लॉट्स की ज़रूरत पड़ी हमें देखो इसमें हमने क्या स्टडी किया था इस ग्राफ को कि स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होता है जो रिएक्शन वेलोसिटी है दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है उसके बाद हाई सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो जाता है एक स्टेडी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वी uh, जो वेलोसिटी है वो फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाती ठीक है v मैक्स वाला पॉइंट आ जाता है देखो यहाँ पे v मैक्स जो है v मैक्स की वैल्यू और ये जो हाइपरबॉलिक कर्व है ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं पे मीट करेंगे ठीक है तो हमें वी मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें एक्यूरेटली नहीं पता चल पाती ठीक है अगर हमें वी मैक्स नहीं पता चलेगी तो के एम भी पता नहीं चलेगी ठीक है के एम नहीं पता चलेगी तो रेट ऑफ़ रिएक्शन जो है वो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ठीक है सो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन वी मैक्स एक्यूरेटली बाय माइकलिस मैंटन ग्राफ बिकॉज वी मैक्स मीट कर्व एट इन्फिनिटी दस वी कांट डिटर्मिन वी मैक्स के एम के कैट बाई दिस ग्राफ एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी डिटर्मिन एक्यूरेटली सो टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज मेंटन इक्वेशन कैन बी रीअरेंजड इन अ नंबर ऑफ वेज टू गिव कन्वीनियंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया मेंटन इक्वेशन को ही रीअरेंज किया ठीक है रीअरेंज करके उन्होंने अपनी इक्वेशंस दी सो देर आर अदर थ्री प्लॉट्स फॉर ए डिटर्मिनेशन अदर दैन माइकिलिसमेंटन इक्वेशन फर्स्ट वन इज लाइन वेवर वर्क प्लॉट ठीक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लॉट लाइन वेवर वर्क प्लॉट नेक्स्ट इज हेन्स प्लॉट थर्ड वन इज एड इज प्लॉट अब देखो हमने इन सारी प्लॉट्स की जो सारे लाइन वेवर वर्क है हेन्स है एडीज़ है ठीक है इनकी इक्वेशंस को मेमोराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है इनको कैसे मेमोराइज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी तो क्या डिफरेंसेस क्या है बेसिकली इनमें जो माइकलिस मेंटन प्लॉट था वो आ, वी को हम एस के अगेंस्ट प्लॉट करते थे ठीक है लाइन वेवर वर्क प्लॉट जो है इसे हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं इसमें हमने क्या किया जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी उसका हमने रेसी उसको हमने रेसी प्रोकेट कर दिया ठीक है उसका रेसी प्रोकर ले लिया और एक इक्वेशन एक बनी दैट इज कॉल्ड लाइन वीवर वर्क प्लॉट ठीक है तो इसको हम वन ओवर वी को वन ओवर एस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं फाइन नेक्स्ट इज हेन्स प्लॉट ठीक है हेन्स ऑफ हेन्स प्लॉट को हम सबस्ट्रेट आ, एस ओवर वी को एस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं एडिस हॉफस्टी को वी ओवर एस को वी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं ठीक है ये जो चीज है इसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो नेक्स्ट जो इक्वेशन हैं वो बहुत ईजिली बन जाएंगी ठीक है माइकलिस माइकलिसमेंटन वी अगेंस्ट एस लाइन वेवर वर्क प्लॉट वन ओवर वी अगेंस्ट वन ओवर एस ठीक है हेन्स वॉल्व प्लॉट एस ओवर वी अगेंस्ट एस एडीज हॉफ्टी प्लॉट वी ओवर एस अगेंस्ट वी अब देखो सबसे पहले लाइन वेवर वर्क प्लॉट इसको हमने कैसे लिखना है ठीक है देखो ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन इसके लिए आपको मेमोराइज़ होनी चाहिए कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है दैट इज़ वी इज इक्वल टू वी मैक्स एस ओवर के एम प्लस एस ठीक है अब इसको हमने इसका हमने रेसी प्रोकर ले लिया वन ओवर वी आ गया के एम प्लस एस के एम प्लस एस डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू एस ठीक है इसको ही हमने रीअरेंज किया के एम ओवर वी मैक्स इंटू वन ओवर एस प्लस वन ओवर वी मैक्स एस एस कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बनी वन ओवर वी इज़ इक्वल टू के एम ओवर वी मैक्स इंटू वन ओवर एस प्लस वन ओवर वी मैक्स ठीक है ये जो इक्वेशन है सिंपल बस क्या किया इसका हमने रेसी प्रोक ले लिया ठीक है और ये इक्वेशन आपकी निकल के आ गई लाइन वेवरबर्ग इक्वेशन ठीक है वन ओवर वी इज इक्वल टू के एम ओवर वी मैक्स इन वन ओवर एस प्लस वन ओवर वी मैक्स ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए ठीक है बाकी के जो प्लॉट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए अब देखो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं ठीक है इक्वेशन डायरेक्टली भी आ जाती है कई बारी पार्ट वीक में तो नेक्स्ट इज लाइन वीवर प्लॉट ठीक है ये थी इक्वेशन अब इसका प्लॉट देखो आ, ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है ये वाला होगा आपका वन ओवर वी होगा आपका वाई एक्सिस पे ठीक है वन ओवर एस होगा एस एक्सिस पे और सी ये क्या है वन ओवर वी मैक्स होगी आपकी इंटरसेप्ट एंड के एम ओवर वी मैक्स होगी आपकी स्लॉप ठीक है इस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया सो so, देखो वाई uh, एक्सिस पे है आपका वन ओवर वी एक्स एक्सिस पे है आपका वन ओवर एस ठीक है अब देखो स्लोप जो है दैट इज़ के एम ओवर वी मैक्स ठीक है के एम ओवर वी मैक्स स्लोप और आपका इंटरसेप्ट जो है दैट इज़ वन ओवर वी मैक्स ठीक है यहाँ से हम वी मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं लाइन वेवरबर्ग प्लॉट से उसमें क्या था माइकलिस मेंटन वाले में कि वो कॉन्स्टेंट uh, कि वो इनफाइनाइट पे मीट करती है तो हम उससे एक्यूरेटली नहीं कर पाते थे इससे हम वी मैक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अब देखो माइनस वन ओवर के एम यहाँ से हम के एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर कर सकते हैं सो लाइन वेवर वर्क प्लॉट से हम के एम एंड वी मैक्स की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं फाइन नेक्स्ट देखो ये आ, लाइन वीवरबर्क इक्वेशन है ठीक है लाइन वीवरबर्क इक्वेशन के बाद हमने ये बनानी सीखनी है हेन्स और एडीज ठीक है अगर आपको इक्वेशंस याद होगी तो आप जो ग्राफ होंगे वो आप इजीली बना लोगे ठीक है कई कई बार क्या होता है कि ये जो ग्राफ्स हैं ये आपको गेट के एग्ज़ाम में या सी एस आई आर के पार्ट बी में आपको पूछ लेते हैं ग्राफ दे देंगे और पूछ लेंगे ये कौन सा ग्राफ है ठीक है या फिर एक्स एक्सिस पे पूछ लेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा या इसकी स्लोप क्या आएगी तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको इक्वेशंस याद होगी ठीक है तो आप जो ग्राफ्स हैं वो खुद ब खुद बना लोगे अब देखो हिन्स प्लॉट ठीक है बहुत ईजी है Uh, इनकी इनकीवेश को मेमोराइज़ करना देखो लाइन वेवरबर्क की आप मेमोराइज़ कर लो उसके बाद बाकी दोनों जो है वो आपकी इजीली इसी से निकल जाएंगी पर, uh, एक आपको ये याद होना चाहिए कि, कि किसको हम किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे ठीक है हेन्स प्लॉट में हम एस ओवर वी को एस के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे ठीक है ये आपने लिख लिया एस ओवर वी को एस के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे थे ठीक है फिर हमने क्या किया लाइन वेवरब इक्वेशन में वन ओवर वी मैक्स जो था इसको इधर ले आए ठीक है के एम ओवर वी मैक्स को उधर ले गए ठीक है तो आपकी ये क्वेश्चन ये मैं आपको लर्न करने का मेथड बता रही हूँ ट्रिक बता रही हूँ ठीक है इजी वे में एस ओवर वी को एस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं हम हेंस में ठीक है और क्या किया बस रीअरेंज किया वन ओवर वी मैक्स को इधर ले आए के एम ओवर ओवर वी मैक्स को उधर ले गए ठीक है तो ये बन गई आपकी हेंस प्लॉट इसको ऐसे नहीं बनाते ठीक है इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है कैसे करते हैं हम वैसे इसको एस लाइन वेवर वर्क को अगर एस से ठीक है सबस्ट्रिट कॉन्सेंट्रेशन से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये निकल के आ जाती है हेन्स प्लॉट ठीक है बट आपको ये डराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जस्ट मेमोराइज़ कर लीजिए इसको नेक्स्ट इज एडीज हॉफस्टी प्लॉट ठीक है एडीज़ प्लॉट में देखो इसको इजीली हमने कैसे मेमोराइज़ करना है जो हेन्स प्लॉट है ठीक है हेन्स प्लॉट में एस की जगह आपने वी वी की जगह आपने एस लिख दिया एस की जगह वी के एम की जगह वी मैक्स वी मैक्स की जगह के एम ठीक है देखो एस की जगह वी आ गया वी की जगह एस और वन ओवर वी मैक्स की जगह के एम एस की जगह वी ठीक है के एम ओवर वी मैक्स की जगह वी मैक्स ओवर के एम ठीक है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होती है एडिस ऑफ ऑफ्टी प्लॉट बस इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका माइनस साइन ज़रूर आएगा ठीक है इसकी जो स्लोप सॉरी इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होती है ठीक है इसका जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन वो नीचे को होता है सो so, अब इसके हम ग्राफ्स देख लेते हैं लाइन वीवर वर्क प्लॉट ठीक है ये मैंने पिछली जो स्लाइड है उसमें डिस्कस किया था लाइन वीवर वर्क प्लॉट ठीक है ये इसकी इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है नेक्स्ट इज हेन्स प्लॉट हेन्स प्लॉट में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना ठीक है इसकी स्लोप और जो इसकी एक्स और वाई एक्सेस है उसमें ये वेरी करेगा ठीक है देखो एस ओवर वी को एस के अगेंस्ट प्लॉट किया हमने ठीक है और इसमें के एम ओवर वी मैक्स क्या है आपका इंटरसेप्ट ठीक है और वन ओवर वी मैक्स क्या है आपकी स्लोप ठीक है इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले से सो नेक्स्ट इज एरीज ऑफ स्टी प्लॉट ठीक है ये इस नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि ये जो ग्राफ है आपका नीचे को बनेगा ठीक है सो वी मैक्स क्या है आपका इसमें वी मैक्स क्या है आपका इसमें इससे हम वी मैक्स को कैलकुलेट करेंगे ठीक है ये वाला है आपका इंटरसेप्ट वी मैक्स ओवर के एम ठीक है वी ओवर एस को हम वी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं एरीज में सो so लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ठीक है देखो फर्स्ट इज अ टिपिकल सेचुरेशन करव फॉर एनजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर द पैरामीटर्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द इक्वेशन इज इंडिकेटेड बाई ए बी एन सी टिक द करेक्ट पैरामीटर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू बी ठीक है बी के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा पैरामीटर होता है ठीक है ये हमने माइकलमेंटन में स्टडी किया था कौन सा होता है दैट इज के एम सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट present in large excess to product P by an enzyme increased in a linear fashion for about टेन minutes ठीक है हमने क्या किया substrate जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ enzyme catalyzed रिएक्शंस में और क्या क्या कैसे हुआ लीनियरली इंक्रीज हुआ यही वाले ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है लीनियरली इंक्रीज हुआ ठीक है for टेन minutes टेन minutes के लिए लीनियरली इंक्रीज़ हुआ after it was seen to plateau यू ठीक है स्टडी स्टेट में आ गया सो so, ये क्यों होता है दिस इज बिकॉज एनजाइम हैज़ क्यों होगा बिकॉज इट रीचिज इट्स नो इट रीचेज इट्स वी मैक्स यस वी मैक्स स्टेज वी मैक्स जो है वो स्टेज आ जाती है ठीक है जब वी मैक्स आपका आ गया उस टाइम पे आपका जो है ग्राफ uh, जो है वो स्टेबल हो जाएगा ठीक है सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी बाकी हम एक बारी पढ़ लेते हैं बीन इनएक्टिवेटेड आफ्टर टेन मिनट्स ऑफ ऑफ एक्टिविटी नो ये कभी नहीं होता नेक्स्ट इज स्विच डिज इट्स सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी नो दैट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग नेक्स्ट इज द एनजाइम फॉलोज माइकलिस मेंटन गाइनेटिक्स शो अ करेक्टरिस्टिक ग्राफ वेन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट विलॉसिटी देखो द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी जब हम एस को वी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो कौन सा आपका ग्राफ आता है कौन सी कर्व आती है आपकी हाइपर बॉली कर्व ठीक है सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी सी नेक्स्ट इज माइकलिसमेंटन इक्वेशन स्टेट्स दैट माइकलिस मेंटन इक्वेशन के क्या अकॉर्डिंग uh, क्या चीज़ होती है देखो फर्स्ट इज माइकलिस मेंटन इक्वेशन स्टेट्स दैट ए पार्ट इज रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नो इट इज रॉन्ग क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट इज द रेट ऑफ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन नो ये भी माइकलिस मेंटन ने नहीं कहा था माइकलिस मेंटन के अकॉर्डिंग क्या चीज थी सो नेक्स्ट इज के एम इज द एन्जाइम सब्सट्यूट कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन कॉन्स्टेंट नो के एम जो है ये एसोसिएशन कॉन्स्टेंट नहीं होता ये एंजाइम सब्स्यूट कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को डिटर्मिन करता है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नेक्स्ट इज एंजाइम सब्सिट्यूट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज असेंशियल इन एन्जाइमेटिक रिएक्शन येस दिस इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज द के एम ऑफ एन्जाइम इज वन हाफ ऑफ द वी वी मैक्स के एम क्या होती है स, वो वाली सब्सट्रिट कॉन्सेंट्रेशन जो जहाँ जिस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होती है वो वी मैक्स का हाफ होती है ठीक है सो द के एम ऑफ एन एनजाइम इज़ द सब्सट्रिट कन्सेंट्रेशन दैट गिव्स हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडीज हॉफ्टी प्लॉट फॉर शोइंग एनजाइम काइनेटिक्स ठीक है एडीज हॉस्टी जो था इसको हम किसको किसके अगेंस्ट करते थे वी ओवर एस को वी के अगेंस्ट ठीक है वी ओवर एस और वी कौन सा है ये वाला देखो वी ओवर एस को वी के अगेंस्ट प्लॉट किया हुआ है एंड नेगेटिव स्लोप है ठीक है सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम Uh, enzyme inhibition topic which is very very important topic